देखिए, जिस तरह से उसने हत्या की है, निसंदेह वह बहुत निर्मम और बहुत क्रूर था। इसको धर्म से हटा के भी देखा जाए तो यह सामान्य आदमी, वह चाहे सनातनी हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो, कोई इसको जायज़ नहीं ठहराएगा, कोई अच्छा नहीं कहेगा, या कोई धर्म नहीं कहता है कि किसी की इस तरह से हत्या की जाए। बागेश्वर धाम ने क्या क्या, मैं यह नहीं जानता हूँ, लेकिन मुझको लगता है कि इस तरह की हत्या को जायज नहीं ठहराया जा सकता है। किन कारणों से हत्या हुई यह जानकारी नहीं है, लेकिन जो वीडियो देखा वह बहुत ही क्रूरतम था, और मुझको लगता है कि हर आदमी को उसका विरोध करना चाहिए और उसको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। साथ ही आप देखिए वीडियो में कि जिस तरह अगल बगल लोग खड़े होकर देख रहे हैं, यह कैसा समाज बनता जा रहा है, कैसे लोग हैं, निश्चित तौर पे इस पे चिंता करने वाली बात है। देखिए, सबसे पहले तो बागेश्वर धाम का हम सम्मान करते हैं। अब रहा सवाल हत्या के मामले पर, तो हत्या जिसने भी किया है और जिन हालात में किया है वो जायज़ नहीं है, और उसको किसी भी धर्म से जोड़ना ये उचित भी नहीं है। अपराधी का कोई धर्म नहीं होता है, अपराध करने वाला अपराध करता है, उसको अपराध करने से मतलब है। उसको धर्म से जोड़ना हमारे हिसाब से तो ठीक नहीं है। बागेश्वर धाम का जो बयान आया उस पर क्या कहेंगे कि जो इस तरह के बहन की स्थिति देखते हैं, विरोध नहीं करते हैं, वो गलत है, और सनातन धर्म में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो इस तरह की हत्या करे, क्या कहेंगे? बिल्कुल, ये साफ तौर पे आप देख सकते हैं जिस तरह से वीडियो फुटेज वहाँ का भी जारी हुआ है, आप साफ तौर देख सकते 16 वार किया गया, फिर पत्थरों से कुचला गया। ये दरअसल बहुत ही मतलब एक तरह से गलत हुआ है, इस पर पुलिस को सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी। अगर जो लोग इसका विरोध नहीं कर रहे हैं वो ऐसे लोग हैं जो मतलब इस तरह का नहीं चाहते हैं, एक तरह समझिए भड़काव चाहते हैं लोग, मतलब देश में मतलब दो हिस्सों में बढ़ जाए, हिंदू मुसलमानों में एकता ना रहे, इस तरह का बयानबाजी अगर ये लोग ऐसा कर रहे हैं तो दरअसल गलत है। इस तरह जिसने भी मतलब कार्य किया इसको सख्त से सख्त पुलिस कार्रवाई करे, हम लोग को यही मांग है। धीरेन शास्त्री के बयान से कितने सहमत हैं आप? सनातन धर्म में इस तरह कोई व्यक्ति हत्या नहीं करेगा, जो हत्या हुआ है उसमें लोगों ने जो चुप्पी साधी है उसका विरोध होना चाहिए। नहीं, देखिए जिस तरह की हत्या हुई है उस हत्या पे तो विरोध करना चाहिए, सभी लोगों को करना चाहिए। जहाँ एक तरफ बागेश्वर धाम में मुस्लिम जाके अपनी खुद जाके आस्था दिखा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये आतंकी मानसिकता के कुछ लोग इस तरह की घटना को कारित कर रहे हैं, ये बिल्कुल निंदनीय है, इसका घोर विरोध करना चाहिए। साक्षी की हत्या के बाद से बागेश्वर धाम का बयान आया कि सनातन धर्म का कोई व्यक्ति इस तरह की घटना नहीं करता, क्या कहेंगे इसको लेकर आप? देखिए, जो अपराधी है उसको तो सजा मिलना ही चाहिए, और वाकई में सनातन धर्म सभी वसुंधर्म कुटुंबकम का मामला है, सनातन धर्म में कोई अपराध नहीं है, सनातन धर्म सबको लेकर के चलता है, पूरे दुनिया को, और इस तरीके का जो अपराध किया है उसको तो सजा मिलना ही चाहिए। बयान पे कि क्या मुसलमान ही ऐसा करता है, हिंदू नहीं करता, इस पे आपकी क्या राय है? आज तक तो यही चला आ रहा है कि अधिकतर मुस्लिम ही ऐसा करते आ रहे हैं, अभी तक जो सनातनी जो है वो ऐसा करता ही नहीं है, ऐसा कभी हुआ ही नहीं है। सर, दिल्ली में जो हत्या हुई है उसको लेकर के क्या आपकी राय है, और उस हत्या के बाद एक बयान भी आया बागेश्वर धाम का कि सनातन धर्म के लोग इस तरह की चीज़ें नहीं करते और इस पे लोगों को आगे आना चाहिए, क्या कहेंगे आप? देखिए, जो घटना हुई है दिल्ली में उसकी जितनी भी भर्त्सना की जाए वो कम है। अब बागेश्वर धाम की ओर से भी जिस तरह से कहा जा रहा है कि सनातनी शांत है, मौन है, ये सोचने का विषय है, क्योंकि स्थितियों परिस्थितियों को देखते हुए हर व्यक्ति का ये दायित्व बनता है कि वो विरोध में आए और घटना की सिर्फ निंदा न करे, घटना में संलिप्त लोगों को गिरफ्तार करने की मांग करे, और ज़्यादा से ज़्यादा उसको बड़ी से बड़ी या कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, यही उचित होगा। और इस तरह की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, ये भी चिंता का विषय है।